हेलो दोस्तों, मैं हूं चेतन चौधरी और आप देख रहे हो किसान सफ़र यात्रा अपनी आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी चोटी बताने जा रहा हूं, वो 24 महीने की थी तब प्रेग्नेंट हो गई थी और उसका अब 10वां महीना चल रहा है और अभी ये चोटी का 10वां महीना चल रहा है और अभी 15 दिन बियाने का बाकी है, 15 दिन चला गया है। तो ये चोटी प्योर बन्नी की है और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इस चोटी कैसी आपको लग रही है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और इस चोटी की हम ज़्यादा से ज़्यादा दूध उत्पन्न करने की क्षमता की आशा रखते हैं। इस चोटी ने अभी अडर थोड़ा बनाया है और अभी थोड़ा बाकी है। दोस्तों, इस चोटी की हम जो खुराक की बात करें तो अभी इस चोटी जो वाइटामिन एच आता है वो हम खिलाते हैं एक एक चम्मच, और उसने अडर भी अच्छा बनाया है। और अडर की बात करें तो इस चोटी ने जो अडर के बीच में जो एक थन और दूसरे थन के बीच जो गैप होनी चाहिए वो इस चोटी में दिखने मिलती है, आप देख सकते हो। और दोस्तों, एक बात कहूँ तो इस चोटी ने जो अडर की क्वालिटी है वो बेहतरीन है और प्योर बन्नी की है और अभी थोड़ा थोड़ा सूजन आने शुरुआत हो गई है। तो इस चोटी की हम जब मैं लाइव मिल्किंग करूँगा तब आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इस चोटी का कितना पहले ब्यात में दूध की कैपेसिटी है। आप देख सकते हो एकदम स्मूथ चमड़ी वाली और पतली चमड़ी की है और उसके शरीर पर जो हम देखें कि कौन सी भैंस ज़्यादा दूध देगी उस हिसाब से हम अगर बात करें तो इस चोटी में जो पतली पतली नसें दिखाई देती है, आपको अगर कैमरे में दिखाई देता है तो अच्छी बात है। ये जो नसें है वो नसें की पहले ही आपको पता चल जाती, ये जो नसें आप देख रहे हो उसके शरीर पर वो एक अच्छी बात है, क्योंकि ये चोटी दूध अच्छे देने के लायक है और ये हम सोच सकते हैं कि अच्छी दूध क्वालिटी की है, अच्छे ब्रीड की है। ये चोटी ये बेहतरीन एकदम स्मूथ और चमकदार धार से, और उसकी कीमत के हिसाब से बात करें तो हमारे यहाँ पर गुजरात में खास करके बन्नी जो चोटी और बन्नी भैंस होती है उस के हिसाब से ये कम से कम 60 से 70 हज़ार की पहले ही ब्यात में बिक जाती है। लेकिन हमें इस चोटी को बेचने का कोई इरादा नहीं है, ये कृपा करके ये चोटी सेल के लिए अवेलेबल नहीं है, ये चोटी घर पर ही रखनी है। लेकिन आपको बताने का मकसद इतना ही कि हम घर पर कैसे पहले ब्यात में ही चोटी को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, इस चोटी जब बिया जाएगी तब मैं आपको लाइव मिल्किंग बताऊँगा और आपको पता चले कि हमारे गुजरात में और ख़ास करके हमारे जो पाटन ज़िला है उसके हिसाब से आपको पता चले कि वहाँ पर कैसे चोटी तैयार कर रहे हैं और हमारे किसान ज़्यादा से ज़्यादा कैसे दूध उत्पादन कर रहे हैं। दोस्तों, ये चोटी में जो आप थोड़े थोड़े खिल देख रहे हैं थोड़ा, वो अभी बारिश का समय है इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी मच्छर की वो प्रॉब्लम है, वो तो हमने दवाई भी की है और आपको लाइव बताने की कोशिश करूंगा कि इस चोटी की जब लाइव मिल्किंग होगी तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कितना दूध देती है, आप देख सकते हो। और मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताना कि कितना आपको ये चोटी कैसी लगी। आप देख सकते हो उसके थन एकदम चारों गैप अलग अलग है और जो पैसों में कहा जाता है कि जो पिछला थन होता है वो बड़ा होना चाहिए, तो इस चोटी में आपको ये दिखने मिलेगा कि बड़ा थन पीछे वाला है, अगला हिस्सा है जो थन का वो छोटा है। इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये चोटी ज़्यादा दूध दे सकती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पहले ही ब्यात में 15 से 16 किलो दूध दे, ऐसी मुझे उम्मीद लग रही है। वैसा तो जब बियाएगी तब हम और आपको पता चलेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय भारत।